फ्रेंड्स, आज जो हम आपकी स्टोरी बता रहे हैं आपको, वो स्टोरी इतनी अच्छी होगी कि आपके अंदर जो लीडरशिप गुण है, आप लीडर हो तो वो जो लीडरशिप गुण है वो बाहर आ जाएंगे, तो आप डायमंड बन जाओगे, क्राउन बन जाओगे, है ना। तो हमारी स्टोरी ये है कि जब हमें पता चला कैनेडा में कि इंडिया बिजनेस जा रहा, हम वहां एमएलए थे, तो हम फटाफट इंडिया में आ गए, और इंडिया में हम 5 मंथ्स पहले आ गए। तो कंपनी ने मई में आना था, वन फोकस, एक ड्रीम लिया डायमंड जाना एक साल में, दूसरा फिर हमने फोकस सीधा किया, राइट लेफ्ट क्या हो रहा, क्या चैलेंज है, कुछ है, चैलेंज हमें याद ही नहीं है कि चैलेंज क्या होते हैं, है ना, इतना ज्यादा फोकस था। तो हमने 5 महीने पहले मीटिंग का अपना उनको बताना शुरू करता लोगों को कि जे ऐसी ऐसी कंपनी आ रही है, वो आपको मतलब के इतना पैसा बनेगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भी मिलेगी, बहुत फायदे बताए, उनको भी समझ आ गई, सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं थे, है ना, तो वो आ गए, डुप्लीकेट उन्होंने करना शुरू कर दिया। बस ऐसे हम करते गया करते गया, उनको फेथ आता गया, कंपनी के बारे में बताते गए, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते गए। तो मई में जब शुरू हुआ, विथ डेप्थ भी उन्होंने बनाते गए, तो उन सब लोगों ने मतलब के ज्वाइन कर लिया। तो तब तो एक वो होता था डिब्बा, हम कहते एक बॉक्स होता था 4200 रुपए का, वो करते करते ते हमारी 46,000 फर्स्ट मंथ में पीपी होगी। तो बाद में भी हमें ये नहीं पता चलता था कि इमीडिएट नहीं पीपी पूछ सकते थे। 15 दिन के बाद एक वो पेपर आता था, उसमें लिखा हुआ था कितनी पीपी है, बट हमने एक्शन बढ़ाया, राइट, वो एक्शन ही हमें डायमंड बना गया। तो एक्शन, फिर हमने डुप्लीकेट बहुत करा, हमने प्रोडक्ट्स पर बहुत फोकस करा, क्योंकि बाद में तो प्रोडक्ट्स भी आ गए थे। तो जहां भी हम जाते थे पहले हमारे, क्योंकि पहले प्रोडक्ट्स का ये फायदा होता है, बोलते जाओ, तो ये क्वालिटी अच्छी है, तो वो तो मार्केट में भी कहते क्वालिटी अच्छी है, नहीं, हमने उनकी डेमो करके टच फील कराया पहले, तो उसके बाद उनको प्रोडक्ट्स पर फेथ आ गया। वो प्रोडक्ट्स पर फेथ आने थे, इतना उन्होंने भी डुप्लीकेट करना शुरू कराया, वो धीरे धीरे बिजनेस, वो किसी का रिश्तेदार बॉम्बे बैठा, कहाँ बैठा, उन्होंने फोन पर बताना शुरू करा। वो ऐसे करते करते इतनी पीवी बढ़ गई, विड्थ इतनी बढ़ गई, हमें ये भी नहीं याद कितनी विड्थ है, पर इतना पता चला कि हम 9th मंथ में डायमंडशिप शुरू कर ली, राइट। वो विड्थ इतनी थी, डुप्लीकेट इतनी करी, वो लोग काम करते गए, तो बाद में क्या रिजल्ट आ गया कि हम थोड़े सालों में करोड़ बन गए। दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन, है ना। जो बोर्ड प्रोडक्ट्स का जो मेन है वो तो सिंपल है, क्योंकि जो मार्केट के प्रोडक्ट्स है वो तो जीएमओ है ना। ये जो कंपनी है 1934 से मतलब के प्रोडक्ट्स सीड जो है देसी थे, देसी सीड है, वो फसल देता, फिर वो सीड बनते हैं, फिर वो फसल देता है, फिर वो सीड बनते हैं, वो फसल देता, तो इसीलिए इसका फायदा बहुत है। जो जीएमओ है वो जो प्रोडक्ट्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स है, है ना, वो जो प्रोडक्ट्स है उसका एक फायदा है कि वो फसल कर लो, है ना, पर जब उसने फसल कर ली, वो जो उनको मतलब के सीड मिले वो मार्केट में दे दिए, और फिर दोबारा, क्योंकि ये जो डीएमओ कुछ कंपनी ने मतलब बनाए थे ताकि वो अमीर होना चाहते थे, फिर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, फिर फसल लगाते हैं, है ना, इन्होंने ये नहीं करा। उस अभी तक भी यही जाना, अभी तक जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो ओरिजिनल सीड से ही है। तो मेरे को ये बताओ कि हमें इमोशनल स्टोरी है कि हमें ओरिजिनल खाएंगे कि जीएमओ खाएंगे। ओरिजिनल खाते हैं तो हेल्थ भी मिलती है, फिर जब हेल्थ बनती है तो हमें खुशी मिलती है, जब खुशी मिलती है तो हम अपनी लाइफ में भी खुशी के साथ काम करते हैं, तो वो भी इनकम बढ़ती है। हम अगले लोगों की हेल्प करते हैं, उनको भी ये स्टोरी बताते हैं, राइट, दोनों में डिफरेंस है ना। तो और इसका मतलब फायदा भी बहुत हो रहा, बिकॉज दे आर ओरिजिनल सीड्स, दूसरे नहीं है। तो जब ये फायदा चलता है, सब कुछ चलता है, तो लोगों को इतना विश्वास आ जाता है, टच फील से विश्वास आता है। अब कोरोना में अब जूम पर हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के जो डेमो के प्रोडक्ट्स है उसकी डेमो दिखाते हैं, फिर उसके बाद उनको ऑर्डर देते हैं डेमो के प्रोडक्ट्स का, फिर उनके हाथों से कराते हैं, फिर उसको कस्टमर की जे कंपनी की जो हिस्ट्री बताते हैं, ये देखो 500 इंडिया में आए तो हर्बल प्रोडक्ट्स उन्होंने दे रहे थे, तो जहां भी उन्होंने 500 एकड़ जमीन लेकर फसल उगाई, सारा कुछ किया, और फिर जो देसी हर्बल आए, है ना,
सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। एंड जब ये स्टोरी बताएंगे तो हर इंसान को फेथ आ जाएगा कि वो आईडियो बन जाएंगे, कस्टमर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, यू आर द बेस्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरभजन सिंह बड़ैज है। हम सारी फैमिली डॉक्टर्स हैं और हम कनेडा में प्रैक्टिस करते थे और वहाँ ही हमारे को एक पेशेंट ने इस बिजनेस के बारे में बताया, तो हमने देखा हम तो डॉक्टर हैं, हम बिजनेस क्यों करेंगे, बहुत बढ़िया है, हम तो बिजी बहुत हैं। तो पेशेंट ने बोला, कहता डॉक्टर साहब ठीक है बिजी हैं, क्या चाहते हैं आपके पास टाइम? मैं कहा चाहते तो टाइम कौन नहीं चाहता, कहते चाहते हैं सोचो आज से 2 साल पहले टाइम था। मैं कहा नहीं, कहते आज है। मैं कहा आज भी नहीं, कहते 2 साल यही काम और करते थे सोचते टाइम होगा। मैं कहा लगता तो नहीं, कहते जी लगता नहीं फिर देखो झूठ। मैं जब देख लेते देखने में क्या हार जाए। सो हमने देखा, हमने कहा कोई नुकसान तो है नहीं, अगर अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, साथ में पैसा भी मिले, साथ में एंजॉयमेंट भी मिले, और क्या चाहिए। तो इधर हमने कनाडा में बिजनेस किया और इधर भी बड़ी सक्सेस मिली। फिर हम 98 में जब बिजनेस इंडिया आना था, वी आर वेरी एक्साइटेड, इंडिया में तो इतना बिजनेस होगा, सब अपने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है। सो हम ड्रीम लेकर आए थे कि हम इंडिया जाकर डायमंड जाएंगे, फर्स्ट डायमंड जाएंगे। तो जहाँ आकर लोगों को बताना शुरू किया, परंतु लोगों में क्या था, कहते नहीं नहीं ये कंपनी नहीं चलेगी, ये फॉरन की कंपनी है, प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, ये होगा वो होगा, परंतु हमारे को पता था क्या होने वाला है। सो इट डजंट मैटर व्हाट द पीपल से, इफ वी नो दैट इट्स गोइंग टू वर्क, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इस आइडिया के साथ जब हम आए, लोगों को बताया, तो धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी। तो हम कहते थे देखो आप जो काम करते हो उसके साथ साथ पार्ट टाइम में जो बिजनेस बिल्ड करके आप जो फुल टाइम में बनाते हो उससे भी ज़्यादा इनकम बना सकते हैं, और फिर हर साल फॉरेन जाएंगे और आपकी हेल्थ बढ़िया होगी। हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, सभी तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हेल्थ के हैं, ब्यूटी के हैं, दूसरा पर्सनल केयर है, होम केयर है। सो ये सारा कुछ बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, और साथ में पहले काम के साथ साथ कर सकते हैं। ये लोगों की समझ में पड़ गया, हमने बहुत से लोगों को बताया, कुछ की समझ में पड़ा, कुछ की नहीं पड़ा, परंतु हमारे को पता था कि हम तो डायमंड जा रहे हैं। सो इस तरीके से हमने लोगों को आगे सिखाया और मीटिंग्स करी और उनको मीटिंग के साथ जोड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, नॉलेज, और नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल। तो दूसरी बात है कि पैसा आना कहाँ से, लोगों को समझाया कि पैसा कहाँ से आना है, कि तीन तरह से पैसा आता है, एक पर्सनल यूज होता है, दूसरा कस्टमर होते हैं, और तीसरा हम दो ज्वाइन करते हैं, उन वो भी आगे यही काम करते हैं, आगे से आगे ग्रोथ बढ़ता जाता है और वॉल्यूम बढ़ता जाता है, पैसा भी बढ़ेगा। सो हाउ टू क्रिएट द वॉल्यूम, जब लोगों को प्रोडक्ट्स पर फेथ आएगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर तो बिजनेस अपने आप ही बढ़ता है। सो यही हमने किया। तो बहुत से चैलेंज भी आए उस टाइम, क्योंकि उस टाइम छः प्रोडक्ट्स थे इंडिया में जब शुरू हुआ 98 में, और प्रोडक्ट्स इधर पंजाब में तो मिलते ही नहीं थे, सिर्फ दिल्ली में मिलते थे। तो वी हैव टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाकर हम वहाँ से प्रोडक्ट्स लेकर आते थे, किट्स लेकर आते थे और लोगों को बांटते थे, और इतना हमने इन्वेस्टमेंट भी किया उस टाइम, कुछ काफ़ी हमने इन्वेस्ट किया ताकि लोगों को अच्छी तरह किट्स जो मिल सके, ताकि आगे बढ़ सकें। सो इसलिए हम ये करते करते हम फर्स्ट मंथ में ही सिल्वर चले गए, और जो हमारा फर्स्ट चेक था 1,40,000, उस टाइम 1,40,000 रुपीज़ भी बहुत बड़ी इनकम होती थी, और जब लोगों ने देखा इतना पैसा बन सकता है तो वो भी एक्साइटेड हो गए, उन्होंने भी और ज़्यादा मेहनत करती, ज़्यादा लोगों को बताना शुरू किया, ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डेमो करनी शुरू की, और लोगों ने प्रोडक्ट्स यूज़ किए, उनको फेथ आता गया। सो बड़ी बात है सच्चाई की, जब सच्चाई होती है तो हम कॉन्फिडेंस से लोगों को सच्चाई बताते हैं, तो वो हर एक ने जो अच्छा है उसको अच्छा ही कहेंगे, और कंपनी गारंटी देती है प्रोडक्ट्स बढ़िया है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सो इसलिए सक्सेस इज़ वेरी सिंपल, परंतु जो रिवार्ड्स हमारे को मिले वो तो मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे, कि इतना हर साल फॉरेन के ट्रिप्स, हर साल हम जब लोगों को पहले बताते थे कि अगर ये बिजनेस करेंगे आपको हर बार हर साल ट्रिप मिला करेंगे, मैं कहा इतने लोग आएंगे कि हमारे पास जहाज नहीं होंगे, लोगों को जहाज भर के जाएगा, तो लोग हंसते थे ऐसा कैसे हो सकता है, जहाज कैसे भर के जा सकता है। परंतु आज देखो कि आज इतने लोग होते हैं कि एक जहाज में क्या एक दिन में नहीं जा सकते सारे। तो इस करके ये सच्चाई का काम है, जितना हम सही तरीके से, सच्चाई से, ईमानदारी से, समझ से मेहनत करेंगे तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं आप सोच ही नहीं सकते, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स। और अब कोविड आया तो हम सोचते हैं अब क्या करेंगे, अब तो कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया, कैसे करेंगे। परंतु कहते हैं जो भी सिचुएशन आती, जो भी चैलेंज आता है,
वो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो हमने देखा, हम जूम पर ऑनलाइन करने लगे, लोगों को बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने लगी, और भी ज्यादा लोगों को आसान हो गया कि घर बैठे बैठे अब तो ये कुछ करना है, और कंपनी ने भी इतना कुछ किया, कंपनी भी इतना कुछ कर रही, नए नए प्रोडक्ट्स ला रही है, फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतनी मेहनत की कि घर घर प्रोडक्ट्स पहुंचाए और बिजनेस और भी बढ़ा, और खास करके इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स जो सबको चाहिए कंपनी ने वो भी बहुत हर्बल लाए। तो ऐसे कंपनी भी बहुत कुछ कर रही है, परंतु हम मेहनत करेंगे सच्चाई से। मेहनत क्या करना है, लोगों को मैसेज देना है, उनको दिखाना है, उनको कन्विंस करना है, सच्चाई है हमारे पास, वो भी करेंगे, वो उन्होंने भी यही आगे करना है। ऐसे ऐसे और बढ़िया क्या हो सकता है, बढ़िया प्रोडक्ट्स और साथ में पैसा भी, शेयरें भी, रिस्पेक्ट भी, रिकग्निशन भी, इतनी रिकग्निशन, जहाँ भी हम जाते थे हर साल फॉरन में जाते थे, हमारे को लिमोजिन खड़ी होती थी बाहर एयरपोर्ट के, लिमोजिन में लेकर जाते थे, इतनी आपकी रिकग्निशन होती है, यू कांट इमेजिन। सो दिस इज वंडरफुल बिजनेस। अगर आप मेहनत करेंगे सच्चाई से, ईमानदारी से लोगों को बताएंगे, तो आगे खुद यूज करेंगे, दोस्तों को बताएंगे और डेमो लोगों को सिखाएंगे, जितना लोगों को डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट मीन उनको सिखा देना, जो मेरे को नॉलेज है हमने उनको दिया, उन्होंने आगे देना। तो इसीलिए जब बिजनेस आसान है, ये एक बंदे का काम नहीं, सारी टीम मिलकर काम करती है, और टीम से सक्सेस होनी ही होनी होती है। सो इट्स ए वंडरफुल फीलिंग, बहुत ही हमारे को अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं सब लोग जो हैं वो इसमें आएं और इसे फायदा उठाएं और अपनी सेहत भी बढ़िया बनाएं, पैसा भी कमाएं, एंजॉय भी करें। ओके, गो क्राउन, वी आर विद यू।